अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रा, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके PCHS के इलाके नर्सरी में, एक छोटी सी दुकान के आगे, नर्सरी सुपर बर्गर। क्या बात है, सुना बहुत है इसके बारे में, बहुत मशहूर है और आए भी बहुत हैं, बचपन से ताल्लुक है हमारे। भाई से पूछो, भाई बताएंगे स्पेशलिटी क्या। सर बन कबाब है सर, बीफ चपली दाल अंडा सर। ओए दो बीस चपली, बीफ चपली और दाल अंडा सर, ये खाना है सर। और मैंने तो यहाँ पे चपली में चीज भी होती है, चपली में चीज डलवा सकते हैं सर, डलवा सकते हैं, कहीं भी ऑप्शन है हमारे पास, चीज कहीं भी हो सर। उसको आप फिर कर दें डबल चीज, क्या कहते हैं, डबल चपली विद डबल चीज, मजा आ जाएगा। ये पेट का जो हम दोनों का राज है ना, बस ये चीज ही है, ये चीज भरी हुई, चीज भरी हुई। इट्स टाइम लेट्स ईट दिस ब्यूटी। सुपर बर्गर से हम लोग मौजूद हैं और आपको पता है हम लोगों ने इस वक्त दो अंडा शामी, मतलब ये कि दाल अंडे वाले बर्गर ऑर्डर किए हैं, चपली भी, दो हमने चपली ऑर्डर करे, डबल चीज। हाँ, लेकिन पता है कहानी क्या है, जब तक साथ में हमारे पास कोई चटनी, कोई सॉस नहीं होती, कोई केचप नहीं होता, कोई माले गनीमत नहीं होता ना, तो फिर वो हलक से नहीं उतरती। तो हमें याद है शंगरेला ने जो है ना, शंगरेला वालों ने ये हमें कुछ सॉसेज दिए हैं, विच इज़ हॉट हैबेनेरो सॉस, मेरे पास है ये बारबेक्यू सॉस, आप मेरे पास भी है, मेरे पास है एक मिंट कोरिएंडर और एक है पेरी पेरी, तो ये दोनों मेरी फेवरेट है। दानियल भाई ने अपनी मर्जी से उठाई और ये मैंने अपनी मर्जी से उठाई। लेकिन देखो भाई, कहानी है कि मैं, हारून और असद भाई जो है ना, इन सॉसेस से अपना गला तर करेंगे ताकि हलक में सुकून से ये बंद कबाब उतरे। इस बंद कबाब की जो कहानी आप लोग हंस भी रहे थे। नर्सरी सुपर बर्गर जो है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है इस इलाके का, बहुत आला दे दिए चचा आ गए बीच में, चचा बीच में दोबारा करेंगे। PCHS वाले, शारे पसल वाले इस जगह से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ है, वाकिफ है। ये मेन फर्नीचर मार्केट है, मेन फर्नीचर मार्केट मार्केट के अंदर आ जाएँ, बहुत इस जगह से आप लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि कहानी है वाकिफ होंगे कहानी है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर जगह है और तुम सब जानते होगे। और हाँ, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये, चले जी देखते हैं क्या कह रहा है। इसको बोला चटनी नहीं डाले हमारे बर्गर में, चटनी नहीं डाले, चटनी हम घर से लेकर, चटनी हम घर से लेकर। ये जितनी भी सॉसेज हैं, इन सबका ताल्लुक दुनिया के अलग अलग मुल्कों से है। सिराचा सॉस का ताल्लुक थाईलैंड से है, हैबेनेरो सॉस का ओरिजिन मेक्सिको और पेरू है, पेरी पेरी सॉस का पोर्चुगल, मिंट कोरिएंडर सॉस का ओरिजिन हमारा अपना सब कॉन्टिनेंट है, बारबेक्यू सॉस का ओरिजिन साउथ कैरोलिना USA है, थाई स्वीट चिली का ओरिजिन थाईलैंड है और मैंगो चिली सॉस का ओरिजिन हमारा अपना सब कॉन्टिनेंट है। पेरी पेरी का और इसका हीट लेवल काफी ज्यादा था, ये बारबेक्यू सॉस जो है ना बड़ी मजे की, माइल्ड अच्छी लग रही है, टेस्टी स्वीट स्वीट से होती है, तो ये तो मुझे पसंद है। लेकिन ये हॉट हैबेनेरो सॉस जो है ना, इसका पता चलेगा हमें इस चपली कबाब बंद कबाब के साथ, चपली कबाब विद डबल चीज। ओफ, नहीं 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 सर, डबल चीज, डबल चपली कबाब विद डबल चीज, डबल चपली कबाब विद डबल, ये है डबल चपली कबाब विद डबल चीज और इनका है कौन सा, अंडा, अंडा दाल लेकिन डबल अंडा डबल शामी। पहले दानियल भाई कर ले, फिर हम अपनी सॉसेस पे आएंगे। पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इससे शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है सहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कह रही है सर, ये जो है ना सॉस, कौन सी थी ये, हॉट हैबेनेरो, हॉट डाल दो, केचप मुझे बहुत पसंद है, केचप में थोड़ी और मिर्च डाल दें, सही है ये, वो टेस्ट है। और ये जो चपली है ना, चीज ने तो डबल गेम कर दिया होगा ना, डबल चीज डबल चपली सर, चपली जूसी एंड देन चीज का टेस्ट आ रहा है और फिर बन कबाब, मतलब देसी और विदेशी का फ्यूजन जो है ना ब्रो, ब्रो मेरी बारी ब्रो, निकाल ले अपनी हरी चटनी, हरी चटनी का टेस्ट। हाँ, क्या नाम है सर इसका, ये है हमारी मिंट कोरिएंडर, हमारे घरों में जो बनती है यार, अच्छी है, थोड़ी सी खट्टी ज्यादा है, खटास ज्यादा, थोड़ी खटास में ज्यादा है, मजे ही लग रही है, और बर्गर के साथ इसका टेस्ट अच्छा, और अच्छा होगा, और अच्छा हो गया बर्गर के साथ। अभी ये दूसरी वाली भी ट्राई करें, पेरी पेरी ट्राई करें। हेलो, ओह माय गॉडनेस, किड्स आर कमिंग, द किड्स आर कमिंग, दे आर गोइंग टू, ओह माय गॉडनेस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब, हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, गुड, आपकी वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है हमारी, आपकी चैनल की, हाँ इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका नाम क्या,
ज़यान अहमद ऐसे बोला ज़यान अहमद हमारा एक दोस्त है करता है असलान शाह वो असलान शाह उनकी वीडियो मैं बहुत देखता हूं भाई आपका नाम क्या है ज़िमर अहमद ज़िमर अहमद दे ऑल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इट्स अ वेरी गुड थिंग तो मेरा व्लॉग बना के चला गया सर मुझ पे रिव्यू देखो मेरी खुद अपना व्लॉग बना के चला गया मेरी अनबॉक्सिंग करके चला गया वो सुन ऐसे कितना इसमें कितना कॉन्फिडेंस है इतना हमारे किसी यूट्यूबर में इतना कॉन्फिडेंस है मैं दूसरी वाली चटनी पर आ गया हूँ विच इज स्मोकी बारबेक्यू सॉस और मैंने भर लिया है गुड सर गुड है नहीं मतलब बर्गर के साथ अच्छी लग रही है या आप सजेस्ट करते हैं या कोई बारबेक्यू आइटम होता तो उसके साथ अच्छी लगती है उसको मैं सजेस्ट करूँगा सैंडविच के साथ ठीक है बहुत क्लासी लगेगी बर्गर के साथ इट्स गुड बंद कबाब के साथ इट्स गुड ये जो हॉट हैबेनेरो सॉस है ना सर ये मेरे लिए दिस इज माय फेवरेट सॉस दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉस यार दिस इज वेरी गुड हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी ये वाली ज्यादा अच्छी हल्की सी मिर्चें मिर्चें भी हैं अब आई अब लगी जवाब तो अब मेरी दूसरी बारी है मेरी प्यारी प्यारी भाई मेरे हाथ में इस वक्त है ये दाल अंडा बन कबाब ठीक है वैसे हम लोग वन शॉट में जा जाके इतना खाते रहते हैं यहाँ पे मैं थर्ड टाइम आया हूँ क्या कह रहा है यार ये इससे भी ज़्यादा खट्टी है और स्पाइसी है हाँ। ये स्पाइसी भी मेरे लगी है जाके मुझे कम लगा रही मुझे कम लगानी चाहिए थी पेरी सॉस मगर बट दोनों में से तुम्हारी फेवरेट कौन सी है अब पेरी ऑब्वियसली पेरी पेरी ऑब्वियसली रिकमेंडेशन की बात मैं हमेशा करता हूँ मैं इसको रिकमेंड करता हूँ चपली कबाब बंद कबाब को यार चपली कबाब यूजली हम बंद कबाब में इस्तेमाल नहीं करते बर्गर में इस्तेमाल नहीं करते इसको हम सादा खाते हैं रोटी से खाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये फ्यूजन जो है ना ये देसी फ्यूजन है तो चपली कबाब बंद कबाब इट्स अमेजिंग इसमें आप तुम चीज़ डलवा दोगे थोड़ी चटनी एक्स्ट्रा रखवाओगे ठीक है तो सलाद हो जाएंगे आप नेक्स्ट लेवल माशाल्लाह से इट्स वेरी गुड अल्लाह इसके कारोबार में तरक्की दे नर्सरी सुपर बर्गर्स ये है अंडा शामी मतलब दाल वाला बंद कबाब जो हमारा नॉर्मल बंद कबाब होता है उसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर हमने डबल शामी करवाया हुआ है डबल अंडा करवाया हुआ है तो आई एम श्योर इसका टेस्ट भी डबल होना चाहिए डबल होना इनके पास चार पाँच किस्म के बंद कबाब हैं मैं इनसे बोला था यार जो स्पेशलिटी है ना वो मुझे चाहिए तो भाई जो है ना हमारे उन्होंने चपली दे दिया अंडा शामी दे दिया अंडा दाल इज़ वेरी गुड अंडे का फ्लेवर तो आ रहा है साथ लेकिन ये दाल का शामी कबाब है ना मुझे लग रहा है बीफ का शामी कबाब है आई वुड रिकमेंड इट फॉर श्योर एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए एक दफ़ा आएंगे आपको टेस्ट समझ आएगा फिर आप दो दफ़ा आना चाहिए एक दफ़ा आए चपली कबाब खाएँ और दूसरी दफ़ा आए और ये अंडे वाला खाएँ दो लोग आए आधा आधा खा ये एक दफ़ा आए दो लोग आधा चपली कबाब और आधा आधा अंडे वाला अंडा दाल असद भाई क्या कहते हैं फिर आप किस बारे में बंद कबाब के बारे में सर बन कबाब के बारे में यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सर ये बन कबाब का बाप था हमेशा ओवर रेटिंग कर देता हूँ मैं ये एक मसला है बहुत बड़ा जिसके ऊपर मुझे काबू पाना है यार ये भी नहीं खाता ना इतना मसला है इस बंदे का ये खैर दाल अंडा कैसा लगा सर आपको ₹70 कौन कौन से खाए थे दाल अंडे खाया मैंने चपली खाया इन्होंने दाल अंडा खाया मैंने तो चपली वाला खाया तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा करवा दिया था डबल उसमें चपली करवा दिया था एक्स्ट्रा चीज़ करवा दी थी हमने तो लेकिन अगर सादा लोगे तो चपली जो है ना वो ₹80 का दाल अंडा जो है कितने का ₹70 का मेरा बिल से कोई लेना देना ही नहीं है हाँ बट ये वाज रियली गुड यार आई वुड एक्चुअली रेकमेंड यू गाइस टू कम हियर प्लीज़ ईट दिस ब्यूटी यहाँ पर आना है आपने ये वाले बंद कबाब खाने और फिर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में भाई का इंस्टाग्राम फॉलो करें बहुत अच्छा इंसान है मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें बहुत अच्छा इंसान है ठीक है तब तक के लिए खुश रहें खाते रहें अल्लाह भाई पैसे कौन कौन आए भाई मिलने कौन कौन आए टाइम बीच आए कर दो कैमरे में हाई कर दो